हमारी पार्टी में एक और मेंबर शामिल हो चुका है। यो मुकुल ब्रो, पहली बार कैमरे के आगे। ये देखो जो ये ना स्पीकर, मतलब ये अपने आप बज जाते हैं। तू बोलेगा अलेक्सा प्ले द सॉन्ग सॉन्ग ये अलेक्सा। हम अशोक के बर्थडे पे आपको दिखा रहे हैं ऑटो पार्किंग नैनो नैनो विद ऑटो पार्किंग फीचर्स। पूरे 3 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जो ये वाला व्लॉग अब बहुत फाड़ होने वाला क्योंकि मैं सब कुछ एडिट कर चुका हूँ, बस मुझे इस वक्त ये अपलोड करना था। मैं सोचा कि मैंने वीडियो बना लिया है, इस पूरे व्लॉग को देखना और सीरियस मत होना कहीं भी, मतलब कहीं कहीं हमने कुछ 2-4 बातें कर दी है। व्लॉग को सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए देखना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी दोस्त की किसी अपशब्द पे मैं बीप करना भूल गया हूं, तो आप उसे दिल पे ले जाओ कि ये कितने बुरे लोग हैं। तो व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। मैं वीडियो के एंड में आपसे नहीं मिलूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं काफी लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए अपने। ठीक है, तो आप व्लॉग देखिए। हमारा अशोक भाई का बर्थडे है और हम उनके सोसाइटी के जस्ट बाहर बैठे हैं, वो वाला गेट उनकी सोसाइटी का। यो, तो हम उनकी सोसाइटी के बाहर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं हमने जो केक ऑर्डर किया उसकी डिलीवरी का। तो जैसे ही केक आएगा हम अशोक भाई को बाहर बुलाएंगे और केक काटेंगे उनका, उसके बाद देखते हैं वो हमें दावत देते हैं या नहीं देते। और अब से कुछ दिन बाद इन वाले भाई का बर्थडे है। कितनी तारीख को आता तुम्हारा बर्थडे? 16 तारीख को इन भाई का बर्थडे है। काम बॉस भाई का कितनी? 6 नवंबर को। कितने को? 6 को नहीं है। कितनी तारीख को तेरा बर्थडे? हमने उसको 4-5 कॉल कर दिए और काम्बोज भाई इधर उधर टहल रहे हैं, इंतजार नहीं हो रहा इनसे। One hour later. हमारी पार्टी में एक और मेंबर शामिल हो चुका है। यो मुकुल ब्रो, पहली बार कैमरे के आगे। चल मैं इसके पीछे बैठा, ठीक है? तेरा फोन मेरे द्वारा, कोई दिक्कत ना। चलो तुम बैठो, इसमें बैठ जाओ तुम। तो हम ब्रो की गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं फर्स्ट टाइम नैनो में बैठूं। नैनो ये ना, मैं फर्स्ट टाइम बैठू कसम से भाई, इसमें बैठ के अलग ही फील है। अलग लगता है, ऐसा लगता है अपने घर में। हम छोटे से कमरे में अपने धक्का धुक्की नहीं, तो धक्का धुक्की कुछ भी नहीं, बाहर की आवाज भी नहीं। बड़ी गाड़ियों में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि हम गाड़ी में बैठे हैं, इसमें लग रहा है कि हम अपने घर में अपनी कुर्सी बैठे हैं जैसे आराम से। ब्रेकर का पता नहीं लगता इसमें। और तारीफ कर, थोड़ी सी तारीफ और कर, थोड़ी तारीफ और चाहिए। ब्रेकर का पता ही नहीं लगता। इसका जो इंटीरियर देख लो, फुल्ली डिजिटल है। रुक जा, दिखा भाई, दिखा देना। अबे दिखा दे रहे तेरे भाई, देखो सामने 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 12 इंच की टच स्क्रीन, 3 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। गाड़ी बना दे। हम अब भी 200 की स्पीड पे चल रहे हैं। यो कौन है? FM। ये तो सुन भी तो नहीं रहा है तू। बेकिंग हो से केक आ चुका है हमारा। बस भाई तू तो रुक ले ऐसी जगह। अंकल जी ये रहा। अरे हाँ, ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। ये हमारे भाई केक आ चुका है और हम इसे काटेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मौज करेंगे। और ये इसमें ऑटोमेटिक सीसे ऊपर होते हैं, देखो। मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं घुमा रहा, मैंने हाथ अपने ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं घुमाया था, ये ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। तू भी पैर से घुमा रहा है क्या? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये पूरी गाड़ी कस्टमाइज कराई जाती है। गियर भी अपने आप लग जाते, गियर भी अपने आप, देखो अपने आप लग गया। दोबारा लगा गियर लगा एक बार, लगा ना एक बार चौथे गियर में। अरे रुकना, ये देखो स्टीयरिंग छोड़ देंगे, ये टेस्ला बन जाएगी। देखो तो छोड़ रखा है टेस्ला, दस में कोई दिक्कत नहीं, हाथ में बिल्कुल नहीं लगाया है। ये देखो गाड़ी इतना स्लो जा रही है, ये देखिए गाड़ी कोने पे जा रही है। तो इतना इतना बहुत है इतना। ये दिखा रही है इसमें ऑटो पार्किंग भी है, ये खुद ही पार्किंग है। और ये नहीं तो ऑटो पार्किंग क्या? मत माचिस नहीं है, बताओ इस पर होगी। ये पीता है, क्या बोला तूने? करो मैं नहीं पीता, जो सारे राज आज ही खोल देगा। और ये जो स्क्रीन है ये सिर्फ सेंसर से चलती है, इस पे उंगली लगाने की भी जरूरत नहीं है। अबे आंखों से बोल, देखो स्पीड ब्रेकर आया, हमें पता भी नहीं चला। और देखो टेस्ला हमारी अपने आप स्लो हो गई, अभी अपने आप रेस बढ़ जाएगी। ये देखो गियर इसने हाथों से बिल्कुल भी डालता, अभी अपने आप पड़ गया था। एक तरफ क्यों चली जाती है बार बार ऑटो पार्किंग?
पार्किंग ये बराबर में, ये हमारे बराबर में पार्किंग है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ऑटो पार्किंग मोड पे अपने आप पार्किंग इसने वो कर ली सेंसरों से अपने मान ली भैया पेड़ बना जाकर दी जाकर ये देखो ऑटो पार्किंग हैंडल वैंडल गियर सब छोड़ रखे ऑटो पार्किंग। चलो अब स्टार्ट कर दे। अब आप देखोगे जादू भाई कुछ भी नहीं कर रहे और गाड़ी अपने आप चल रही है। एक और जादू सुन तो ले, रुक जा देखो ये क्या स्पीड में चलेगी भाई कुछ भी नहीं कर रहे पैर से एक्सीलेटर तो बिल्कुल भी नहीं दबा रहे पर अब तो सुन तो ले मेरी बात बहुत ज्यादा होगी अब चल ले लेगा सुसाइड कर लेगा इंडिया में आना ही नहीं है टेस्ला लॉन्च ही नहीं करनी इंसानों नैनो नैनो कस्टमाइज करा रखी है ये देखो इसने अभी एसी पे उंगली नहीं मारी थी अपने आप चल गए एसी गर्मी गर्मी मोनेटाइज करके। और ये हम स्वर्ण दीप पार्क के बाहर से जाते हुए हमारे बाहर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ रुक जाओ तो काम बहुत। तो हाँ रवि भाई आप कुछ बता रहे थे गाड़ी के फीचर्स के बारे में। ये देखो जो ये ना स्पीकर मतलब ये अपने आप बज जाते हैं। तू बोलेगा एलेक्सा प्ले द सॉन्ग सॉन्ग ये एलेक्सा फिर से करियो क्या कर रहा दोने। और जो सामने आपको मीटर दिख रहा है वो मीटर काफी मतलब अलग से लगवाया जाता है ये पूरी कस्टमाइज कराई जाती है ऑटोमेटिक है। रवि रवि भाई हाथ छोड़ देगा तब भी ये चलती रहेगी। रवि भाई हैंडल छोड़ दो देखो, ये देखो टेस्ला 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 टाटा ने सब निकाल दिया उसके पापा का फोन आ गया। और हम अशोक के बर्थडे पे आपको दिखा रहे हैं ऑटो पार्किंग नैनो नैनो विद ऑटो पार्किंग फीचर्स। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और हम ढूंढ रहे हैं कि केक कहाँ काटा जाए। तो हमने काफी अच्छी जगह चुनी है मतलब हमने नहीं हमारे काम्बोज भाई ने हरिद्वार में आ चुके हैं हम हरिद्वार में आ चुके हैं और मैं दिखाता हूँ आपको हमारा हरिद्वार कैसा है देखिए। और वो सामने फूल भी जा रहा है ओ भाई पीछे से डेड बॉडी तो हमने जगह ये चूज करी हम केक यहाँ रखेंगे हम वहाँ खड़े होंगे फिसलते ही नीचे ये हमारी पूल पार्टी अशोक के बर्थडे पे पूल पार्टी यो अशोक डुबकी नहीं लगाएगा तब तक केक नहीं कटे अशोक डुबकी लगा आ जाएंगे वे। तो हमने अपना हेलीकॉप्टर वहां पार्क कर दिया है रवि को तैरना सिखाया ये तैर नहीं सकता अशोक तो डुबकी लगा सकता है पहले रवि को फेंक पानी बाहर हमारी टेस्ला वहां खड़ी है बगल के बाल भी दिख रहे हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बेटे बाइसेप्स ओ बाइसेप्स अपने बाइसेप्स दिखाइए ये दिख रहा यार उस दिन तब तक लड़ाई हुई थी कॉलेज में तो ऐसा बुलाता ना ऐसा देख के भाग जाती पब्लिक मैंने करण भाई को खुद ही फोन कर दिया दिमाग काम नहीं कर रहा था ऋतिक को मैंने नहीं बुलाया था अच्छा भाई वो कर रहा था ऋतिक को भाई का बर्थडे वो भाई का बर्थडे ठीक है तुम कैमरामैन हो तो मैं उदय प्रताप सिंह हमारे कैमरामैन सुधांशु मिश्रा सिंपलिसिटी की पहचान तो ये है। हैप्पी बर्थडे भाई को अरे साल में ब्रो हैप्पी दिवाली ब्रो हैप्पी दिवाली ब्रो ये भैया को जल्दी बताओ ये भैया को वीडियो दिखा दियो
तो ये केक है, मैंने इसके टुकड़े कर दिए। अरे हमारे इनके उनके सबके घर वाले देखते हैं। ये तो किसी काट देगा। अबे ये तो ऐसा तो याने मना कर दी फौजी ने, तो अब नहीं बोलूंगा। इन्होंने मना कर दी है। हां तो कि हम कट 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 केक खाओ। पर अशोक भाई का बर्थडे है पर ये केक क्यों खा रहा है? खाओ भाई खाओ, ले खाओ भाई। देखो हफ्सियों को इसका बर्थडे है। पांच सौ ले जल्दी। अबे तो वो लगा दे टू जो करके आता है। देख समय हो रहा है। अरे यार वो एक्चुअली ना लास वेगस जाना था मेरे को, इससे चला दे जा। लास वेगस जाना था। फ्लाइट मोड ऑन कर तू। ए रहने दे बेटा, टेक ऑफ ही सो ग्रेजुएटेड से। हाल काम बोल रहा है यार भाई का लोग। वो अबे केक कट गया, बर्थडे बन गया वो। रुक जा, लगा कैंडल ना चली अभी तक। रुक जा, माचिस मेरे पास होनी चाहिए। नहीं है नहीं है। क्या जरूरत है, डर लेंगे हमारे जीने में इतनी आग है। बढ़िया खत्म करते। मम्मी का फोन आ गया मेरे तो।